जफर, आज थोड़ा जल्दी घर आ जाइएगा। क्यों, कोई खास बात? वो सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर में दर्द हो रहा है, बीपी का मसला लगता है। डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ चेक करवाने के लिए। कोई डॉक्टर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, मामूली सा सर में दर्द तो है, मुझे भी कई बार होता है। दवा पड़ी है, ले लो, ठीक हो जाओगी। सफर, मुझे ये कोई आम सर दर्द नहीं लग रहा। सवेरा भी जब बीपी चेक करती थी तो हमेशा बड़ा होता था। बहन की बात पर तो एतबार करोगी, लेकिन शोहर की बात नहीं मानोगी। देखो, मुझे दुकान जाना, बहुत सारे काम है, शाम को मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे, मैं खुद चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। पैसे पैसे पैसे, एक तो तुम्हारी जुबान पर सिर्फ पैसों की लत लगी रहती है। कितनी बार कहूं तुम्हारी फजूल खर्चियों के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। एक तो वैसे ही सवेरा की शादी में तुमने मेरी जेबें खाली कर दी। आईंदा मुझसे पैसों की बात मत करना। पलकों पे ठहरा है ये दर्द गहरा है, हर रास्ते पे मात है। ये जो समंदर है खतरे बराबर है, घर तू जो मेरे साथ है। तेरी रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहां जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे। क्या ऐसे क्या बैठे हैं यहाँ पे, सुकून मिल गया आपको? जिस हाल में आपने उन्हें रखा हुआ था ना, अच्छा हुआ कि वो अल्लाह से जान मिली, आपसे जान छूट गई है उनकी। सवेदा, ये तुम क्या कह रही हो? सवेदा, मैंने तुम्हारी बहन का बहुत अच्छा ख्याल रखा, आखिर इस घर पे क्या कमी थी? बस कर दे, ऐसा ना हो कि मैं अपनी बहन की तबीयत भूल जाऊं, यहाँ पर आपकी इज्जत की धजियां उड़ा दी। कई साल मैं इस घर में रहकर गई हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा कि आपको मेरी बहन के साथ क्या सलूक था। बेचारी हर चीज को तरस गई, एक एक चीज को तरस गई वो यहाँ पे। आपने तो उनके दवाओं और इलाज का भी ख्याल नहीं किया। आपकी लापरवाही और कंजूसियों की वजह से आज मेरी बहन मौत के मुंह में चली गई है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं क्या, आपको तो अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा आपको। इतनी मासूम थी मेरी बहन, अल्लाह पूछेगा आपसे, सिर्फ अल्लाह। भाई क्या शानदार घर है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा, कितने तक का होगा वैसे ये? तुम जानकर क्या कर लोगी? अरे मुझे पता होना चाहिए ना,
मैं मालकिन बन गई हूँ यहाँ की, तो कल कोई आएगा हमारे घर पे तो शो ऑफ करूंगी, इतराऊंगी। हाँ भाई, तुम ही इस घर की मालकिन हो, तुम्हारा जो जी चाहे ना यहाँ कर सकती हो, इसे अपनी तरीके से सजाओ सवारो। ऐसे सुने मेरी मुंह दिखाई कर। अरे मुंह दिखाई तो मैं लाया ही नहीं, नहीं मेरा मतलब है ये फिजूल सी रस्में हैं, मैं तो इनमें मानता ही नहीं। ये क्या बात हुई, कोई जेवर नहीं लाया? अच्छा सुनिए, पैसे दे दे, मैं खुद ले लूंगी। अरे अब सारे पैसे मुझ समेत तुम्हारे ही तो हैं। बहाने नहीं बनाए ना, पैसे निकाले। यार जब ये बच्चों वाली जिद बंद करो ना। आप मुझे जानते नहीं है, शकीला नाम है मेरा, मुंह दिखाई तो मैं लेके रहूंगी। दे अभी गिर लो। चलो खुश हो जाओ। ये लो, ये रख लो। इतने से? इतने पैसे हैं मेरे पास, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ही रख लेता। नहीं, ठीक है, मैं फ्रेश हो के आती हूँ।